अंत काल पशुतासी अंदरे जा जब पकड़ चलाया सब किश कर सिर उत्ते धोले आ जाते हैं। ये बंजारे मित्र ज्यों ज्यों जवानी करती है बुढ़ेपा सिर ताकत में जितना ज्यादा है उम्र का एक एक दिन लंघता है उम्र घटती जाती है। हे माया के मोह विच अन्ने हुए जीव जदों जम ने फड़ के तेनों अगे ला लिया तदों अखीरले वेले तू पछताएगा। तू हरेक चीज अपनी बना बना के सामदा गया वो सब कुछ एक दिन विच पराया माल हो जाएगा। माया के मोह विच फस के जीव की अकल मारी जाती है सियाणप गुम हो जाती है मंदे काम कर आखर अंत वेले पछताता है। हे नानक आप हे जीव जिंदगी की रात के तीजे पह सिर उत्ते तोले आ गए हैं तां प्रभु चरणा विच सुरत जोड़ के सिमरन कर। चौथे पह रहन के बन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीन अखी अंध ना दिसे बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैन अखी अंध जीव रस ना ही रहे हर नाम का वर्ज करन आए ये जीव मित्र जिंदगी की रात के चौथे पहर जीव बुढ़ा हो जाता है उसका शरीर कमजोर हो जाता है। ये बंजारे मित्र अखा अगे हनेरा आ जाता है अखी ठीक नहीं दिसता कन्ना नाल बोल चंगी तरह नहीं सुन सकता अखा तो अन्ना हो जाता है जीव विच स्वार्थ की ताकत नहीं रहती उद्यम से ताकत रह जाते सन उद्यम से ताकत रह जाते सन अपने हिरदे विच कदे परमात्मा के गुण नहीं वसाए हुण सुख कितों मिले मन के मुरीद जन्म मरण का अगे पै जाता है जिमें पक्की हुई फसल का नाल उड़क के टुट जाता है ते बुढ़ेपा आने से शरीर नास हो जाता है जीव जगत दे आ के आखिर इतों तुर पैदा है इस शरीर का मान करना व्यर्थ है। हे नानक आप हे प्राणी जिंदगी की रात के चौथे पैर तू बुढ़ा हो गया है हुण गुरु के शब्द नूं पछाण गुरु शब्द नाल डूंघी सांस पा। ओड़क आया तिन साहिया वण जा रहा मित्रा जर जरवाना कन एक रती ना समझाणिया समाणिया वण जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संजम जावे हर नाम का वर्णकार करन आए हे जीव मित्र जीव नु उम्र दे जितने श्वास मिले सन आखिर उन्हां श्वासां दा अखीर आ गया बल्ले बुढ़े पिया मोढ़े उत्ते नचन लग पिया। हे बंजारे मित्र जिस दे हिरदे विच रता भी गुण ना टिके उस नु उसके अपने ही कीते हुए गुण बन के लै फिरदे हन
ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇੱਥੋਂ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਜੰਮ ਦਾ ਜਾਲ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੇ ਜੀਵ ਮਿੱਤਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਅਰਾਧਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀਓ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਪ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ, ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਆਦਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
वर्ज कर आई हे जीव मित्र मनुखा जिंदगी की राह के पहले पहल परमात्मा माँ के पेट में जीव का पैंतरा रखता है। ये बंजारे मित्र फिर दसा महीनों में प्रभु मनुख का साबत बुद्ध वंश बना दिता है। जीवों को जिंदगी का मुकर्र समा दिता है जिस जीव चंगे मिलते कर्म कमाते हैं। परमात्मा जीव लई जिंदगी का समा मुकर्र कर दिता है। पिछे किए कर्मां ते संस्कार अनुसार प्रभु जीव के मत्थे ते तुनो जिहा जिहो जिहा लेख लिख दिता है। वह जे कर्म जीव कमाते हैं माँ प्यो भरा पुत्र इस्त्री आदि इन संबंधियों विच प्रभु जीव को बचा बचा दिता है। इस जीव के अख्तियार विच कुछ नहीं परमात्मा आप ही इस पासों चंगे मंदे काम कराता है। ये नाम आप जिंदगी के रात में पहले पैर परमात्मा प्राणी का पैतरा माँ के पेट विच रख दिता है। परलोक विच ओखा पैंडा जागदा है। होमे विच मस्त मनुख पूरे गुरदी सर नहीं पैंदा इस वास्ते उसके सिर उत्ते जालम जम आ खलोते हैं। जवानी के नशे विच मनुख कदे नहीं सोचता कि होमे विच चले हो चुके नू जदों धर्मराज आ फड़ेगा तदों अपनियां मंदियां करतूतों बारे उसनू की जवाब देवेगा। हे नानक जिंदगी दी रात के दूजे पहर शिखर से पहुंचा हुआ जोड़ मनुख के अंदर उछाले मारता है। जय पहरे रण के मन जा रहा मित्रा बिख संचय अंध अज्ञान पुत्र कलतर मोहे लपटिया मन जा रहा मित्रा अंतर लहर लोबान अंतर लहर लोबान प्रभु चेतनाया साध संगत स्यो संग ना किया बह जोनी दुख पावे सिर जन हार विसरिया स्वामी एक निमुख न लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजय पहरे बिक संचे अंध अज्ञान। हर नाम का वर्णन कर आए हे जीव मित्र जिंदगी के राह के तीजे पहर विच माया के मोह विच अन्ना होया ते ज्ञान तो सखना मनुख आत्मक जीवन में मार मुकाने वाला धन रूप जहर इकट्ठा करता रहता है। हे विचारे मित्र तदों मनुख माया का लोभी हो जाता है। इसके अंदर लोभ दियाँ लहर उठदियाँ हैं। मनुख पुत्र के मोह विच इस्त्री के मोह विच माया के मोह विच फसया रहता है। प्राणी के अंदर लोभ दियाँ लहरां उठदियाँ हैं। मनुख लोभी होया रहता है। वह परमात्मा कदे इस दे चित विच नहीं आता। मनुख तदों साह संगत नाल मेल मिलाप नहीं रखता आखिर कई जुड़ना विच भटकता दुख सहारता है। मनुख अपने सृजनहार मालक नूं भुला दिंदा है। अख चमकन के समय जितना समा भी
परमात्मा विच सुरत नहीं जोड़ता। हे नानक, आप जिंदगी की रात के तीजे पैर अन्ना ज्ञान ही मनुख आत्मक मौत लियाउण वाला तन रूप जहर ही इकट्ठा करना पैंदा है। हर नाम का वरण करन आए हे जीवित, जिंदगी की रात के चौथे पैर ओ दिन नेड़े आ जाता है जदों इतों पूछ करना होता है। हे बंजारे मित्र, प्रभु का नाम हिरदे विच वसा, नाम ही प्रभु की दरबार विच तेरा मददगार बनेगा। हे प्रभु, गुरु की सरण टह के परमात्मा का नाम अपने हिरदे विच वसाई रख, नाम ही अखीर सभी साथी बनता है। माया का यह मोह जिस विच फसया पिया है तेरे नाल नहीं जा सकता, तो इस नाल झूठा प्यार आया हुआ है। हे भाई, जिंदगी की सारी रात माया दे मोह दे अनेरे विच बीतदी जा रही है, गुरु की सरण पाओ ताकि तेरे अंदर परमात्मा के नाम का चानन हो जाए। हे नानक, आग हे प्राणी, जिंदगी की राह के चौथे पैर वो दिन नेड़े आ जाता है जो इतों पूछ करना होता है। हर नाम का वर्णन करन आए हे जीव मित्र, जदों परमात्मा वल्लों मौत का लिखा हुआ परवाना आउंदा है तदों इत्थे कमाए हुए चंगे मंदे कर्मां दे संस्कार जीव आत्मा दे नाल तुर पैंदे हन। उस वेले उन्हां जमां ने पक्के हथ पाए हुंदे हन। हे बंजारे मित्र, और तब हर समय की टिल मठ की इजाजत नहीं देंगे। जदों करतार वालों मौत का लिखा हुआ हुक्म आता है वो जम जीव में फड़ के अगे ला लेंगे। अपने मन के पिछे तुरन वाले मनुख फिर सदा दुखी रहते हैं। जिन्होंने पूरे गुरु का आसरा ले रखा वो परमात्मा की दरगाह विच सदा सौखे रहते हैं। हे बंजारे मित्र, मनुखा जीवन विच मनुख का शरीर कर्म कमाण ले धरती समान है, जिस विच जेहो जिहा कोई बीजदा है उही खांदा है। हे नानक, आप परमात्मा की भगति करने वाले बंदे परमात्मा के दर से सोभा पाते हैं। अपने मन के पिछे तुरन वाले नु सदा जन्म मरण के गेड़ विच पाए जाते हैं। श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत एक ओंकार सरन प्रसाद मंदियानी पियड़े क्यों कर हर दर्शन पिकाए पर हर अपनी कृपा करे गुरुमुख सहरे कम सिखे सहरे कम सिखे गुरुमुख हर हर सदा त्याए सहिया विच फिरे सहेली हर तरह बाहर लाए लेखा तरम राय की बाकी
जीव इसत्री पेके घर विच इस मुखा जन्म विच उहां दी अयान ही टिकी रही तां ओ पति प्रभु दा दर्शन किवें कर सकती है। दर्शन नहीं कर सकती। जदों परमात्मा अपनी मेहर करदा है तां जीव इसत्री गुरु दे सन्मुख हो के प्रभु पति दे चरणा विच पहुंचन वाले काम करने सीखती है। गुरु दे सरण पै के जीव इसत्री ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਕਰ ਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜੁਰ ਗਿਆ ਕਰ ਚੰਦ ਬਣਾਇਆ ਬੜਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ ਹਰ ਰਤਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਲਾਤਾ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਿਆ ਦੁਖਲਾਤਾ ਆਪ ਆਪੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਤਾ ਅਕਾਮ ਮੂਰਤ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਰਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਮਚਾਇਆ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰੂ ਫੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਜਗਮਗ ਕਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਮੇਰਾ ਹੋਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਮੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਸਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਨਾ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਤ ਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਜਨ ਮੇਰੇ ਜਨ ਸਹੰਦੀ ਹਰ ਜਪ ਸਹੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਣੇ ਖਰੀ ਸਹੰਦੀ ਸਾਹਣੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਸਹੰਦੀ ਜਿਨ ਬੇਵਕੜੇ ਨਾਨਕ ਸਮਾਏ ਸਭ ਸਖਣਿਓ ਜਨਮਤੀ ਮਾਲਾ ਜਿਨਾ ਮਨ ਜਿਨ ਪਾਸਾ ਕਾਲਿਆ ਹਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਸੋਹਿਆ ਵਰ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖ ਆਨੰਦੀ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਜਨ ਮਿਲ ਜਨ ਸੋਹੰਦੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਸਦਾ ਕਾਂਡ ਲੈਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਨੋ ਸੋਹਣੇ ਜੰਜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਭਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਪੜ ਰੂਪ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ
ते आनंद दा सोमा खसम प्रभु मिल पैदा है। हे मेरे पिता प्रभु पति दा, हे मेरे पिता प्रभु पति सदा कायम रहने वाला है, सदा कायम रहने वाला है। उस पति नाल मिलाप कराने वास्ते उस प्रभु दे भगत जन मिल के मानो सोने जंज बंदे हैं। हर प्रभ मेरे भावना हर देहो दान मैं दाजो, हर कपड़ो हर सोभा देवो जित सब मेरा काजो। हर हर भगति काज सहला गुर सतगुर दान दिवाया, खंड हर पंड हर सोभा होई एह दान मरण रलाया। और मन मुख ताज जो रख दिखाया, सपूर अहंकार कच पाजो। हर प्रभ मेरे मामला हर देवो दान मैं ताजो। हे मेरे पिता मैं कहती ताज मंगी हूँ, मेनू हरो हरि प्रभु दे नाम दा दान दे। मैनू यही दाज दे, मैनू हरि दा नाम ही दाज दे कपड़े दे, मैनू हरि दा नाम ही दाज दे गहने आदि धन दे। इसी दाज नाल मेरा प्रभु पति नाल विआह सोहना लगन लग पे। परमात्मा दी भगति नाल ही परमात्मा नाल विआह दा उत्तम सुखदाई बनता है। जिस जीव प्यार नूं गुरु ने ये दान ये दाज दिवाया है, हरि नाम ते दाज नाल उसकी सेवा उसके देश विच संसार विच हो जाती है। यह दाज ऐसा है कि इस नाल कोई दाज बराबरी नहीं कर सकता। अपने मन के पिछे तुरन वाले होर बंदे जिहड़ा दाज रख के विखांदे हन विखाला करते हैं वह झूठा हंकार है, पैदा झूठा हंकार पैदा करने वाला है, वह कच्छ समान है, वह निरा दिखावा है। हे मेरे पिता मैनू हरि प्रभु दे नाम दा दान दे, मैनू यही दाज दे। हर राम राम मेरे बाबला फिर मेरा तन मेरा बदंदी, हर जगो जगो जग जगो जगो सत पीढ़ी गुर चलंदी। जग जग पीढ़ी चले सतगुर की जिन गुरमुख नाम ध्याया, हर पुरख न कभी विनसै जावे नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत हरे को जप हर हर नाम सुहंदी, हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन मेरा बदंदी। हे मेरे पिता हरि पति नाल राम पति नाल मिल के जीव स्त्री की पीढ़ी चल रही है। अनेक युगों तो सदा टुटकी गुरु की प्रभु पति की पीढ़ी चली आती है। हरेक युग में सतगुरु की पीढ़ी नारदी संतान चल रही है। जिन्होंने गुरु को मिल के परमात्मा का नाम सुनिया है वह गुरु की पीढ़ी है, वह गुरु की नारदी संतान है। परमात्मा ऐसा पति है जो कदे भी नाश नहीं होता, जो कदे भी नहीं मरता, वह सदा दाता बख्शता है, उसकी दात सदा बढ़ती रहती है। हे नाम भगत जना ते भगतों का प्यारा प्रभु एक रूप हैं। परमात्मा का नाम जप जप के जीव स्त्री सोहने जीवन वाली बन जाती है। हे मेरे पिता हरि पति नाल राम पति नाल मिल के जीव स्त्री की पीढ़ी चल पैंदी है, भाव उसकी संगत में रह के होर अनेक जीव सिमरन दे राह पै जाते हैं। श्री राग महला पंजवां शांत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, मन प्यारा जियो मित्रा गोविंद नाम समाले, मन प्यारा जियो मित्रा हरि है ते है नाले। संग पाई हर नाम त्याई बिरथा करे न जाए, मन चिंदे से ही फल पावे चल कमल चितलाए। जल थल फूल रहया बनवाही कर कर नजर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीत साध संग परम जाए।
ए मेरे मित्र मन परमात्मा का नाम अपने अंदर सांभ के रख। हे प्यारी मन, हे मित्र मन, ए हर नाम सदा तेरे नाल साथ निभाएगा। हे मन, परमात्मा का नाम सिमर, यही तेरे नाल रहेगा, यही तेरा साथी रहेगा। जेड़ा भी मनुख यही हर नाम सिमरता है, वह दुनिया तो खाली हाथ नहीं जाता। हे भाई, परमात्मा के सोहने चरणों में चित जोड़ो, तो सारे मन इज्जत फल प्राप्त कर लेगा। हे परमात्मा, हे भाई, परमात्मा के सोहने चरणों में चित जोड़ो, तो सारे मन इज्जत फल प्राप्त कर लेगा। हे मेरे मन, जगत का मालिक प्रभु जल में धरती में हर थान भरपूर है, वो हरेक शरीर में व्यापक है, वो हरेक शरीर में व्यापक होकर मेहर की निगाह नाल हरेक नूं वेखता है। हे प्यारे मन, नानक तेनों सिक्ख्या दिंदा है, साध संगत में रह के अपनी पटकना नाश कर। मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे, मन प्यारिया जियो मित्रा बिपसागर संसारे, चरण कमल कर बोहित करते संसार दुख न व्यापे, गुरपुरा के कै बड़ भागी आठ पहर प्रभ जापे, आदि जगादि सेवक स्वामी भगता नाम धारे। हे मेरे प्यारे मन, हे मेरे मित्र मन, परमात्मा तो बिना और कोई सदा साथ निभाने वाला नहीं है। ये सारा जगत पसारा सदा साथ निभाने वाला नहीं। हे प्यारे मन, ये संसार एक समुंदर है जो जहर नाल भरिया हुआ है। हे मन, करतार दे सोहने चरणों में जहाज बना, इस दी बरकत नाल कोई सहम कोई दुख अपना जोर नहीं पा सकता, पर जीव दे वस की गल नहीं। जिस वड्डे भागां वाले नूं पूरा गुरु मिलता है, वह प्रभु नूं अठे पहर सिमरदा है। आदि तो ही जुगां दे आदि तो परमात्मा अपने सेवकां दा राखा चलिया आ रहा है। परमात्मा दे भगतां लई परमात्मा दा नाम सदा ही जिंदगी दा सहारा है। यह प्यारे मन, नानक तेनू सिक्ख्या दिंदा है, परमात्मा दे नाम तो बिना बाकी सारे जगत खिलारे तोर साथ निभाण वाले नहीं हन। मन प्यारिया जियो मित्रा हर लते खेप समली, मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निश्चल मली, हर दर सेवे अर्थ अलेवे निश्चल आसन पाया, तह जन्म प्यारे मन, हे मित्र, परमात्मा दे नाम दा सौदा विहाज, ये सौदा नफा देने वाला है। ए प्यारे मन, हे मित्र मन, परमात्मा का दरवाजा मल्ली रख, यही दरवाजा अटल है। जो मनुख उस परमात्मा का दर मल्ला है जो अदृष्ट है ते जिस दा भेद नहीं पाया जा सकता, वह मनुख ऐसा आत्मिक टिकाणा हासिल कर लैंदा है जो कदे डोलदा नहीं। उस आत्मिक टिकाणे पहुंचिया जन्म मरण के गेड़ मुक जाते हैं। मनुख हरेक किस्म का सहम से दुख मिटा लैंदा है। उस आत्मिक टिकाने ते पहुंचा मनुख धर्मराज के थापे हुए चित्रगुप्त का लेखा फाड़ ले देता है। भाव कोई मंदे कर्म करता ही नहीं जिन्होंने चित्रगुप्त लिख सकता, जब दूतों का कोई जोर उस उत्ते नहीं पै सकता। इस वास्ते हे प्यारे मन, नानक तेनू सिक्ख्या देता है कि परमात्मा के नाम का सौदा विहाज, यही सौदा नफे वाला है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।